नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल न्यूज़ में। ताज़ा अपडेट्स के साथ मैं राजवीर सिंह। आज शुक्रवार को SDM नजीबाबाद श्री ब्रजेश कुमार सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद श्री गजेंद्र पाल सिंह ने नजीबाबाद तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले सभी थानों के थानाध्यक्षों को बुलाकर एक मीटिंग आयोजित की। आपको बता दें कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सभी थाना प्रभारियों को उपजिलाधिकारी ने अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव की समीक्षा करने और बूथ वाइज निरीक्षण करने के आदेश पारित किए। हम केदार में रहे थे ना, बहुत जाते थे, लेकिन हम नहीं जाते। यहाँ पे जब हमको कोई सूचना ही नहीं, तो ये तीन चीज आप लोग इसके बाद चले जाना सुन लो। जितने आप लोग आप साहबान को पहली जिम्मेदारी, दो कालम बढ़ेंगे, एक तो क्यों कारण क्या है पुलिस देना बूथ होने के कारण, दूसरा मिश्रित आबादी होने के कारण, मतलब जैसे लगे कि हाँ इस थानेदार ने या इस वर्कआउट किया है, नहीं लोग किया है, नहीं तो लोग लिख के भेज देते हैं विवाद होने का कारण, विवाद होने का कारण पूर्ण मिश्रित आबादी। आप अगर विवाद कभी हुआ है तो भी लिखना मिश्रित आबादी, पहला कारण। दूसरा कारण पूर्व में विवाद होने के कारण चुनाव संबंधी, तीसरा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता इतना कारण बढ़िया। ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि शीघ्र ही गांवों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में कई गांवों में स्थिति बहुत ही संवेदनशील होती है। गांव में शांति व्यवस्था कायम रहे, किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो और चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए नजीबाबाद तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी थानों के प्रभारियों को बुलाकर सुरक्षा के मद्देनज़र सभी को निर्देशित किया गया और अपने अपने क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर पैनी नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं। नजीबाबाद से अपने सहयोगी राजपाल सिंह चौहान के साथ मैं राजवीर सिंह, सिटी हलचल न्यूज़। चुनाव के मद्देनज़र, आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनज़र समस्त थाना प्रभारी के साथ CO साहब के साथ आज एक मीटिंग की गई, जिसमें सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि आप जो है अपने क्षेत्र में सभी बूथ हुआ एक बार उसकी संवेदनशीलता प्लस की समीक्षा कर लें और ये सुनिश्चित कर लें कि कोई भी हमारा जो बूथ है बूथ हुआ कि पूरी तरह सत्यापन हो जाए, कहीं भी कोई बूथ किसी भी किस्म परिस्थिति के उससे अगर संवेदनशील है तो उसको अवगत कराएं, जिससे सूचना भेजी जा सके और उसके संदर्भ में भी कार्रवाई की जा सके। जो भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की CRPC के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है, उसकी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया, जिससे भविष्य में एक निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव मतदान कराया जा सके।